हेलो गाइस, दिस इज सोनू फ्रॉम द परनेल एकेडमी। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि एज लिस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है ग्राफ की, एंड इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट्स से इफ़ वी हैव एन नंबर ऑफ वर्टेक्स, और यहाँ पर मान लो कि एन की वैल्यू 3 है, तो एन की वैल्यू 3 है तो हमने यहाँ पर क्या किया, 3 वर्टेक्स हमने क्रिएट किया, 1, 2, 3। एंड इसमें हम लोगों ने इसमें 1, 3 से कनेक्टेड है, 1, 2 से कनेक्टेड है एंड 2, 3 से कनेक्टेड है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ को, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बोल ये बताता है कि एक 3x3 साइज के मैट्रिक्स क्रिएट करो, इट इज़ n x n साइज के, यहाँ पे n हमारी 3 है, एंड सारे सेल पे कुछ हम लोग फिल करेंगे बेस्ट अपन द कंडीशन। और कंडीशन ये है कि सबसे पहले हम लोग तो ये जानते हैं कि ये ग्राफ क्या है, हमारा अनवेटेड है एंड अनडायरेक्टेड है। तो अनवेटेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस में कोई ये इस एज की कोई वेट नहीं है, इस एज के भी कोई वेट नहीं है एंड इसके भी कोई वेट नहीं है, एंड ऑल्सो 1 से 3 जा सकते हैं एंड 3 से 1 जा सकते हैं, सिमिलरली 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 1 जा सकते हैं। तो दोनों साइड से हम लोग आ सकते हैं जा सकते हैं, डेट इज़ ये बाई डायरेक्शनल है। सो तो इसमें जस्ट एक इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे, ये सेल क्या है 1, 1। सो हम लोग ये देखेंगे कि क्या 1, 1 से कनेक्टेड है, ये तो खुद की एक फिक्स्ड नोड है, यहाँ पे कोई कनेक्शन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 0 मार्क कर देंगे। अब देखेंगे कि इस सेल पे इसका लोकेशन क्या है, 1 एंड 2, row 1 column 2। सो सेल नंबर 1, 2 पे हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे node 1 and 2 कनेक्टेड है, node 1 and 2 कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1 मार्क कर देंगे, 1 मीन जस्ट ट्रू वैल्यू। सिमिलरली 1 and 3 पे हम लोग देखेंगे क्या 1, 3 कनेक्टेड है, येस इट इज़ कनेक्टेड, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1 मार देंगे। सिमिलरली यहाँ पे आएंगे तो 2, 1 चेक करेंगे, क्या 2, 1 से कनेक्टेड है, तो हम लोग यहाँ पे 1 फिल करेंगे, फिर क्या 2, 2 से कनेक्टेड है, नहीं यहाँ पे 0। सिमिलरली 2, 3 से कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी 1। सिमिलरली 3, 1 से कनेक्टेड है, येस 3, 2 से कनेक्टेड है, येस 3, 3 से कनेक्टेड है, नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 फिल कर देंगे। यहाँ पे ये एक्चुअली ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा किस केस में, जब हमारा ग्राफ क्या हो अनडायरेक्टेड हो, बिकॉज 1, 2 से कनेक्टेड है तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं 2, 1 से कनेक्टेड है। सो इस केस में हमारे ग्राफ में क्या होगा, बाई डायरेक्शनल नेचर है, मीन्स ये जो ग्राफ बनेगा सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा। अगर सेल नंबर 1, 2 फिल है, सेल नंबर अगर 1, 2 फिल है, मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, अगर एरे जब 2D मैट्रिक्स मान लो कि उसके नाम एरेज है, तो अगर एरे i j = 1 है तो वहाँ पे क्या होगा, एरे j एंड i भी क्या होगा, ये भी 1 होगा, बिकॉज सिमेट्री है, ए बी से कनेक्टेड है, बी ए से कनेक्टेड है। सो यहाँ पे ये कंडीशन फिल करेंगे हम लोग। सो जस्ट ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और कुछ स्पेशल नहीं होता इसमें, सिंपल क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे पास n नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं, क्या करो n x n साइज की एक मैट्रिक्स क्रिएट करो, और उसके सारे इंडेक्स पे जाओ, उसकी सेल की लोकेशन बताओ क्या है, कौन सा रो है, मान लो कि ith रो है, jth कलम है, तो ये चेक करो क्या नोड नंबर i एंड नोड नंबर j कनेक्टेड है कि नहीं। अगर कनेक्टेड है तो यहाँ पे जा कर के ij पे 1 फिल करो, एंड अगर कनेक्टेड नहीं है तो क्या करो 0 फिल कर दो। बस एज लिस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में यही है, करना क्या है n साइज के, अगर n वर्टेक्स है या v वर्टेक्स है तुम्हारे ग्राफ में, v x v साइज के एक मैट्रिक्स क्रिएट करो, 2D मैट्रिक्स, बुलियन मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हमें जस्ट इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना है 0, 1, बिकॉज ये ग्राफ के अनवेटेड, मीन्स सारे एजेस की वेट क्या है यहाँ पे इक्वल है, तो इक्वल है तो इसे हम लोग 1 एज्यूम कर लेते हैं, तो 1, 3 से मीन्स 1 से 3 की कॉस्ट लेट सपोज हम लोग 1 मान लेते हैं, इसलिए हमने 1 फिल किया, नहीं कनेक्टेड तो 0 फिल किया, ये अनवेटेड की प्रॉपर्टी होती है। हम लोग ये भी देखेंगे आगे के लेक्चर में कि अगर ग्राफ वेटेड होगा तो उसके इसमें क्या करेंगे, और उसमें कुछ नहीं होता, सिंपल जस्ट इसकी वेट को हम लोग क्या करते हैं फिल कर देते हैं, जैसे 1, 3 से कनेक्टेड है इसका कुछ वेट दिया रहता है वेटेड ग्राफ में, लेट सपोज इसका मान लो वेट 10 दे दिया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 की जगह 10 फिल करेंगे, जब हमारा ग्राफ क्या वेटेड रहेगा, तो हम लोग वेटेड की कंडीशन देखेंगे आगे जब जरूरत पड़ेगा, बट अभी हम फिलहाल अनवेटेड के लिए देख रहे हैं। सो अनवेटेड में क्या बोलता है,
एडिशन से मैट्रिक्स भी वर्टेक्स हैं भी क्रॉस भी साइज के, एक बुलियन मैट्रिक्स क्रिएट करो। और बुलियन मैट्रिक्स क्रिएट करके उसमें क्या करना है, जस्ट जीरो या वन फिल करना है बेस्ट ऑन द कंडीशन। कंडीशन क्या है, अगर नोड नंबर आई एंड जे कनेक्टेड है तो जा करके उस मैट्रिक्स में आई और जे आईथ रो जेथ कॉलम पे वन फिल करेंगे। इफ़ नोड नंबर आई एंड जे कनेक्टेड नहीं है वहाँ पे जीरो फिल करेंगे, बस यही है। सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी है, मैंने ऑलरेडी कोड लिख रखा है यहाँ पे, देख सकते हो। मैंने यहाँ पे कहा कि सबसे पहले मेन फंक्शन में मैंने भी एंड ई इनपुट ले लिया यूजर से, ये पता करने के लिए कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं ग्राफ में। यहाँ से पता चले कितने वर्टेक्स हैं, यहाँ से पता चले कितने नंबर ऑफ एजेज हैं ग्राफ में, और ये मालूम हुआ कितने वर्टेक्स हैं और एजेज हैं। मैंने क्या किया कि भी वर्टेक्स हैं तो मैंने भी क्रॉस भी साइज की एक हमने मैट्रिक्स क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मैंने इंटीजर मैट्रिक्स क्रिएट किया है ताकि मैंने 0 1 फिल कर रहा हूँ, या अगर बुलियन क्रिएट करो तो ट्रू फॉल्स डालेंगे, लेकिन थोड़ा बुलियन क्रिएट करो तो बार बार ट्रू लिखना पड़ेगा, फॉल्स तो थोड़ा लिखने में ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा वैसे, इसलिए इंटीजर वाली मैट्रिक्स मैंने क्रिएट किया यहाँ पे। एंड मैंने अगर ई एजेज हैं ग्राफ में तो मैंने क्या किया कि एक ई टाइम्स एक लूप रन किया, एंड उसमें जाके हर इटरेशन पे मैंने दो पॉइंट पूछ लिया कि क्या एक्स एंड वाई कनेक्टेड है कि नहीं, यूजर से पूछ लिया कि कौन कौन सी कनेक्टेड है, तो उसने बता दिया कि वर्टेक्स एक्स एंड वर्टेक्स वाई कनेक्टेड हैं। जाके मैंने ग्राफ में एक्स वर्टेक्स एंड वाई वर्टेक्स दोनों कनेक्टेड हैं, तो एक्स रो एंड वाई एथ कॉलम पे मैंने वन फिल कर दिया, एंड वाई एंड एक्स ऑल्सो पे वन फिल किया, बिकॉज ग्राफ क्या है हमारा अनडायरेक्टेड है, एक्स वाई से कनेक्टेड है तो वाई एक्स से कनेक्टेड भी है। सो यहाँ से हमारा ग्राफ रेडी हो गया, ग्राफ रेडी हो गया। जस्ट इसे मैंने चेक करने के लिए एक प्रिंट फंक्शन मैंने लिख लिया, प्रिंट फंक्शन में सिंपल मैट्रिक्स पे ट्रावर्स किया, एक दो लूप लगाया, ग्राफ को मैंने एक्चुअली यहाँ पे 2D वेक्टर है ये, तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस से पास किया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट हमने रो पे ये फर्स्ट लूप चला, एंड ईच रो पे जाने के बाद ये लूप उसके कॉलम पे रन कर रहा है। और यहाँ पे इफ़ i और j वन है, मीन्स i और j नोड कनेक्टेड हैं आपस में, इसलिए मैट्रिक्स पे वन पर होगा, और जब कंडीशन ट्रू होगा वन पर होगा, तो यहाँ पे i और j को मैंने प्रिंट कर दिया। सो हम लोग जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आउटपुट इस कोड की, मैंने क्या बोला कि चार वर्टेक्स हैं, चार उसमें एजेज कनेक्टेड हैं, और मैंने दे दिया कि 0 1 कनेक्टेड हैं, 2 3 कनेक्टेड हैं, 1 3 कनेक्टेड हैं एंड 0 2 कनेक्टेड हैं। ये चार मैंने इनपुट दे दिया कि ये चार रोज चार एजेज हैं ये टोटल ग्राफ में, और ये वर्टेक्स हैं 0 1 2 3 कनेक्टेड हैं, 1 3 कनेक्टेड है, 0 2 कनेक्टेड है। तो ये हमारा प्रिंट फंक्शन इसको प्रिंट कर दिया, इसने प्रिंट कर दिया कि ये ग्राफ है हमारा। इसमें थोड़े से अगर थोड़ा वियर्ड काइंड ऑफ थिंग दिख रहा होगा कि 0 1 को प्रिंट कर रहा है, अगेन 1 0 को प्रिंट कर रहा है, सो मैट्रिक्स में ये जस्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है। इस चीज़ को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं एक विजिटेड मैट्रिक्स लेकर के, बुलियन मैट्रिक्स भी, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर 0 पे विजिट कर गए तो फिर से 0 1 पे विजिटेड हैं तो फिर से हम लोग 1 0 पे नहीं जाएंगे। इस चीज़ को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, या अगर ये भी ना करना हो तो, क्योंकि मैट्रिक्स हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्री है मैट्रिक्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर ही हम लोग ट्रैवर्स करेंगे ट्रिंगुलर पार्ट में, 1 ट्रिंगुलर पार्ट में ट्रैवर्स करेंगे, और दूसरे ट्रिंगुलर पार्ट में तो सेम रिपीटेशन ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर 1 2 का हमने यूज कर लिया तो यहाँ पर 2 1 मिलने वाला है। सो हम लोग एक ही साइड में अगर ट्रैवर्स करें तो हमारा काम हो जाएगा, सो वहाँ पर रिपीटेशन नहीं मिलेगा आउटपुट में, तो इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे स्पेशल, इसलिए जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने डाल रखी है चीज़ें। सो थैंक यू, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।